हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो अगर आप लोग एनआईओएस डेलेट के कैंडिडेट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले ही कह दे रहा हूँ कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए जो भी आपके एनआईओएस के छात्र हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा वैलिडिटी के करीब चले जाओगे। क्योंकि जब तक आप जो है इसको शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करोगे, तब तक लोग जो है इकट्ठा नहीं होंगे और अपनी मांग रख नहीं पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लड़ाई है, जैसे एक बार आप सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो चुके हो तो उसमें आप अंदर होने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल एनसीटी से क्या रिप्लाई आया है उसको भी हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और अगर आप एनआईओएस डेलेट के कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना है आगे उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। क्योंकि नंदन सिंह बोहरा जो कि उत्तराखंड में जो है हाई कोर्ट को लीड कर रहे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने लीड किया है। नंदन सिंह गोरा को सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने भी कुछ निर्देश दिया आप लोगों के लिए, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे आपको एनआईओएस डेलेट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों को स्क्रीन पर एनसीटी दिख रहा होगा, ये एनसीटी वो संस्था है जो एनआईओएस डेलेट को फिर से वैलिड कर सकती है अगर वो अपने नियम में कुछ बदलाव करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल कड़े शब्दों में कह दिया है कि अगर एनआईओएस को शामिल करना है तो एनसीटी को अपना नियम बदलना होगा और एनसीटी को जो है गजट में शामिल करना होगा एनआईओएस डेलेट के छात्रों को। इस पर बहुत सारे छात्रों ने एनसीटी में कॉल किया और कॉल करके पूछा कि आप गजट में शामिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो एनसीटी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यह कहा है कि भाई हम गजट में शामिल नहीं कर सकते, उन्होंने यह बताया, उन्होंने कहा कि यह अधिकार मेरे पास नहीं है, गजट में शामिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एमएचआरडी के पास है। मैं आपको बता दूं ये एमएचआरडी इसका नाम बदलता रहता है, कभी इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, कभी एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, कभी एमएचआरडी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बस ये समझ लीजिए, उन्होंने कहा है कि ये अधिकार सिर्फ एमएचआरडी के पास में है। ऐसे में अब एमएचआरडी जो है वो क्यों आपकी बातों को मानेगा, क्यों गजट को शामिल करवाएगा, तो वो एक ही शर्त पर हो सकता है, जब आप अच्छी खासी संख्या में जब आप उनके पास जाओगे, उनसे मांग करोगे कि हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्या हम प्राइवेट स्कूल में 3,000, 4,000, 5,000 में जिंदगी भर पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने ना डीएलएड कर पाए हैं ना बीएड कर पाए हैं, एनआईओएस डीएलएड के बल पर अभी तक बैठे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज निकल गई है, अब अगर वो डीएलएड करते भी हैं तो भी 3 साल लग जाएगा, बीएड करेंगे तो भी 2-3 साल लग जाएगा, तो ऐसे में हम जाएं तो कहां जाएं। अगर अपनी बातों को एकदम विनम्र तरीके से आप रखोगे एमएचआरडी के पास में, लेकिन संख्या बल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में यहां पर नंदन सिंह बोहरा जी को आप जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का जो यहां पर केस है उसको उन्होंने लीड किया था, आप इनको बहुत भली भांति आप जानते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से यानी एक्स से इन्होंने जो है सूचना सभी को दिया है कि सभी राज्यों के एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी अविलंब दिनांक 6 दिसंबर 2023 को अपनी एक सूत्रीय मांग एनआईओएस डीएलएड 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश का राजपत्र प्रकाशन हेतु दिल्ली में उपस्थिति दें। यानी इन्होंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो आप लोग कल दिल्ली जरूर पहुंचे, और दिल्ली पहुंच के आप जो है राजपत्र प्रकाशन है तो जो है दिल्ली में आपको जो है यहाँ पर उपस्थित होना है। और यहाँ पर देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्हीं के आवास के सामने ये जो है वहाँ पर इकट्ठा हैं, आप इनसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको बात बात करना है तो, ठीक है। आगे ये देखिए यही है रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो इन्हीं से मांग करनी है कि भाई गजट में या राजपत्र में आप हमको शामिल करें। तो इस वीडियो को पहले तो आग की तरह चारों तरफ फैला दो, ठीक है, ताकि जो यहाँ पर आपकी मान्यता है उस पर जो है एकदम से मोहर लग सके। और अगर आप अभी मेहनत नहीं कर पाओगे तो फिर भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप एक दिन दो दिन की लड़ाई करने के बाद आप सोचते हो कि नहीं बस जुड़ते अभी आपको मान्यता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, घर से निकलना होगा, घर पे आप बैठ के आप मान्यता नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमेशा इतिहास गवाह है, अगर आपको कुछ पाना है अपना अधिकार को पाना है तो उसको मांगने से अब नहीं मिलता, अब उसको छीनना पड़ेगा। तो आप लोग जाइए रिक्वेस्ट करिए पहले तो कि हाँ भाई आप दे दीजिए, उसके बाद हम लोग बाद में बात देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसी प्रकार की एनआईओएस डीएलएड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।